दे रही हो सिटी 91.1 एफएम पर. मैं हूँ दिव्या और हर साल अराउंड वुमेन्स डे मैं शीरोज लेकर आती हूँ. बट मैं आपको एक बात बोलूँ, ये शीरोज की कुछ 7-8 कहानियाँ जो मैं इस पूरे हफ्ते करती हूँ ना, ये मुझे पूरे एक साल इनफैक्ट वैसे तो लाइफ भर का जोश दे देती है. ये मेरी पहली कहानी है जो मैं आज अपने साथ स्टूडियो में लाई हूँ और मुझे लगता है मुझे ना इंट्रोडक्शन देने की भी जरूरत नहीं है. शी इज एक्चुअली अ वुमन ऑफ करेज. मेरे साथ लक्ष्मी है. वेलकम टू द स्टूडियो लक्ष्मी. थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच. और मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ, इनका अगर दिल्ली में कहीं कोई इवेंट होता है ना, मैं जाके जरूर अटेंड करती हूँ एज एन ऑडियंस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत जो है ना वो आपको कहाँ से आया आपको पता नहीं चलता है. लक्ष्मी, शीरोज जो मेरा ये रेडियो सीरीज पर मैं लाई हूँ ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मुझे लगता है असल ज़िंदगी की कहानियाँ ज़्यादा कुछ सिखा सकती हैं, बता सकती हैं. और मैं इससे पहले कि आपके बारे में, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, बट मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगी, 2005 से पहले की लक्ष्मी कौन थी? आज तो ऑफ कोर्स ये जो लक्ष्मी को आप देख रहे हो बहुत बहुत ही अलग है. लेकिन अगर हम 2005 से पहले की बात करें कि एक नॉर्मल लाइफ जीती थी और बहुत चंचल टाइप की लड़की थी, ये भी कहूँगी कि बहुत डरपोक टाइप की लड़की थी, अकेले घर से निकलती नहीं थी. लेकिन हाँ, वो एक ऐसी एज भी थी जिसमें हम अब घर से बाहर निकलते नहीं हैं, पेरेंट्स के साथ ही होते हैं उस एज में. लेकिन वो जो एक बचपन होता है पेरेंट्स के साथ का, वो समय होता है और अपने भाई बहनों के साथ टाइम बिताने का जो समय होता है, खुद को समझने का एक समय होता है, वो एक टाइम बड़ा अच्छा सा था. आज वो उस लक्ष्मी के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, आँख से बात किया करती थी वो लक्ष्मी खुद से, अपने सपनों को जीती थी, सोचती थी, पूरी तरीके से खो जाती थी अपने सपनों में, खूब लिखना पसंद करती थी. और जब भी स्कूल्स में कुछ भी फंक्शंस होता था, डांस या सिंगिंग, पार्टिसिपेट करना पसंद करती थी. तो बहुत ही क्यूट सी थी वो लड़की. और अभी की जो लड़की है वो बहुत ही अलग है, जो किसी को बोलने ही नहीं देती है और किसी की चलने ही नहीं देती है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है. और क्योंकि जो चीज़ें घटी है उस घटना के बाद से तो पूरी लाइफ बदल गई. तो 2005 में हुआ था ये एसिड अटैक आपका? बिल्कुल. और आप कितने साल के थे? 15 साल के. हाँ जी. क्यों हुआ था? I don't know, मतलब आपको वापस उन पलों को याद करके कैसा लगता है. बट मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज की लक्ष्मी के बारे में भी जानना चाहूँगी. बट वो लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अगर आप मेरी स्टोरी पूछते हैं, क्योंकि वो एक है मेरी लाइफ में स्टोरी और वो बताना ज़रूरी भी है लोगों को कि 2005 में एक बच्चा अपनी ज़िंदगी को जी रहा था और अपने सपनों को जी रहा था और नॉर्मल लाइफ जी रहा था, और अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया. और उस लड़के की जो सिस्टर्स थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और उस लड़के ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया, जो कि वो लड़का 32 इयर्स का था उस वक्त में. उसने मुझे अटैक के 10 महीने पहले ही शादी के लिए प्रपोज़ किया कि लक्ष्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ. मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी कि वो इंसान कैसे ये सब बातें सोच सकता है, जिसको मैं भाई बोलती हूँ और भाई की नज़र से मैं देखती हूँ. फिर उसके बाद मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा आज के बाद आप मेरे से बात भी मत करना. कुछ समय के बाद उस लड़के ने मुझे कंटिन्यूस इतना परेशान किया कि मैं कहीं पे भी जाती थी वो मुझे अकेला देखता था, कभी मुझे मारता था और मेरे को कुछ चीज़ें कहता था, कमेंट करता था कि तुम दिन के दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो, क्या बात है, ये सारी चीज़ें वो लड़का बोलता था. तो उस वक्त में कुछ समय के बाद ही 2005 में उस लड़के ने मुझे 19 अप्रैल को दोबारा से मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ. तो मैंने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. अगेन उसका मैसेज आता है कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए. तो मैंने तभी भी उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया. नेक्स्ट डे मैं बुक शॉप जा रही होती हूँ तो उस लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि तुम तो कुछ करना चाहती हो ना, अपना पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो. तो मैंने कहा हाँ. उसने कहा ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी. एक्चुअली मैं बुक शॉप में जॉब करती थी उस वक्त में. क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि मुझे सिंगर बनना है. तो उन्होंने बोला कि सिंगर नहीं, तुम कुछ और करो.
तो मैंने कहा नहीं मुझे यही बनना है. तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पेरेंट्स ऐसे नहीं समझेंगे. तो उस टाइम पे मैं रियलिटी शो देखने लगी, इंडियन आइडल और सारे का मपा, ये सारे शोज़ देख के जो उसमें ये दिखाते थे ना कि हाँ कोई बच्चा भाग के आया अपने घर से मुंबई और अपने हाँ, तो वो सारी चीज़ें, तो वो देख देख के मैं ना और ज़्यादा इंस्पायर होती थी और मजबूत होती थी कि नहीं मुझे ना ऐसे ही कुछ करना होगा तभी पेरेंट्स मानेंगे. तो उसके बाद मेरी ना 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही थी स्कूल की, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ना जॉब करना है. तो उन्होंने बोला कि नहीं जॉब नहीं, कुछ और करो, कोई कोर्स कर लो. तो मैंने कहा नहीं मुझे जॉब करनी है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है कहीं दूर नहीं पास में. तो मैं खान मार्केट बुक शॉप में जॉब करने लगी, वो भी बुक शॉप में. एक्चुअल में जॉब करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं. मेरा मेन मकसद यही था कि मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूं और वहां पे मैं ट्रेनिंग लूं और उसके बाद मैं रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूं. और उस वक्त में मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें, मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा है कि मैं क्या कर रही हूं, क्या चीज़ें, हाँ कहाँ जा रही हूं, ये सारी चीज़ें. तो 22 अप्रैल को मैं एवरीडे की तरह बुक शॉप जा रही थी और उसके बाद वो लड़का मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहा था. और वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड मिलके वहाँ पे वेट कर रहे थे गोल्फलिंग्स में, पहले डाकघर था उसके पीछे खड़े होके वो लोग मेरा वेट कर रहे थे. और उनके पास एक थैला था जिसमें बियर की बॉटल थी और एक ग्लास था जिसमें जो बियर की बॉटल थी उसमें एसिड था. और उसके बाद मैं वहाँ से जाने लगी तो वो लेडी मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी. तो मैंने कहा क्या बात है, लड़के तो देखते ही देखते हैं घूर घूर के, यहाँ तो लड़कियाँ भी देखने लगी है. और मैं वहाँ से क्रॉस करके फिर चली गई. तो मैंने देखा दूसरी साइड से भी वो लोग आ रहे थे और मैंने कहा ठीक है सड़क है कोई भी आएगा जाएगा ये सब रहा. और मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ी ही थी और देखा ही था अचानक वो लोग आए और वो लेडी ने मेरे फेस में हाथ रखा, मुझे ज़मीन पर धक्का मारा और ग्लास में एसिड था और वो मेरे फेस में डाल दिया. उसके बाद वहाँ पे मैं बेहोश हो गई. मुझे नहीं पता कितनी देर के बाद होश आया. जब मैं बेहोश थी हम सपना देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जब हम सोते हैं कि सच में हम उस जगह में हैं. तो वही चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही थी कि ये सब सपने में हो रहा है. लेकिन जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को उस जगह में पाया और देखा कि आई फील कि मुझे किसी ने ज़िंदा आग लगा दिया हो. और मैं इतना तेज, ऐसा लग रहा था कि मेरे सर में बहुत भारी भरकम पत्थर रखे हुए हैं, आंख नहीं खुल रही थी, बहुत तड़प रही थी लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था. 3 बार मैं फुटपाथ से नीचे गिरी, कार एक्सीडेंट भी हुआ मेरा उसी वक्त में. किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की. जो कार में थे उन लोगों के मैंने हाथ पैर जोड़े कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो, उन लोगों ने भी मेरी हेल्प नहीं की, सब तमाशा देख रहे थे. फिर उसके बाद वही जो होता है, हमेशा सर्कल बना लेते हैं लोग और तमाशे की तरह देखते हैं. तो उस वक्त में यही सब चल रहा था. एक अरुण सिंह अंकल थे जिन्होंने दूर से ये सारा हादसा देखा और उसके बाद वो आए और उनके पास कोक की बॉटल थी जिसमें 2 लीटर कोक की बॉटल था, उसमें आधा पानी था. वो पानी उन्होंने मेरे फेस में डाला और फिर वो गले के पास आ गया. फिर उन्होंने पीसीआर को बुलाई और उसके बाद पीसीआर जब मुझे हॉस्पिटल लेके जब वो जा रहे थे तो मैं खुद को देख रही थी, कार में बैठी हुई थी. तो उस वक्त में मैं ऐसे देख रही थी खुद को कि जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन को जला दी जाती है ना, ऐसे ही मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी, टपक रही थी, बहुत स्मेल आ रही थी बॉडी से और खुद को इतना गंदा फील हो रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है. आँख खोल रही थी तो ज़ुबान बाहर निकल रही थी. तो मतलब बहुत पेनफुल वक्त था वो. फिर मुझे RML हॉस्पिटल लेके गए. वहाँ ले जाने के बाद मुझे 20 बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाला गया और जैसे ही मेरे पापा मम्मी आए तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई वो 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी. फिर उसके बाद वहीं से मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई. पापा मम्मी, पापा ने गले लगा लिया बिकॉज बेटी है, मम्मी है. मम्मी बेहोश हो गई वहाँ पे वो सारी चीज़ों, वो घटना देख के कि मेरी बेटी के साथ ये क्या अचानक हो गया. ओके, तो मेरा बस यही था मम्मी पापा का रिएक्शन. आप कितने दिन उसके बाद आप होश में थे जब ये हुआ या उसके बाद? मैं 48 आवर्स, डॉक्टर ने कहा था अगर होश में आती है तो ठीक है वरना कुछ नहीं कहा जा सकता. और शायद मुझे जो आज हमारी ऑडियंस सुन रही है उनके लिए वापस आना था. और मैं वापस होश में आई और होश में आने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हॉस्पिटल में हुई और मैं वहाँ पे 2.5 महीने तक थी और मेरे 2 ऑपरेशन हुए. मैं बहुत क्रिटिकल स्टेज पे थी वहाँ पे
और उन्होंने मेरी वहाँ सर्जरी की और होशो हवास में मेरी आँखों को सिला गया वहाँ पे। तो वो बहुत, वो ढाई महीने बड़ी पेनफुल था मेरे लिए, लेकिन उस वक्त भी आज मैं उस पल को सोचती तो मुझे लगता है मैं कितनी लाइव थी वहाँ पे। मतलब एक वो बचपना था मेरे अंदर। उस टाइम पे एक मूवी आई थी ना, खून भरी मांग। हाँ। तो वो मूवी का एक वो था मेरे अंदर कि मेरे उस टाइम पे ना अटैक से पहले नोज पे जैसे चांद में निशान होता है, ऐसे नोज पे निशान था मेरे, जैसे अच्छा। चांद पे निशान है वैसे ही। तो आई रियलाइज्ड कि ना अब तो दो सर्जरी हुई है, मैं और सुंदर दिख रही होंगी, क्योंकि वो जो फिल्मों में होता है वही चीज़ मैं फील कर रही थी। तो उस वक्त में ऐसा हुआ कि हाँ अब तो मैं बहुत सुंदर दिख रही होंगी। और मेरी आँखों को ना बंद किया हुआ था प्रॉपर तरीके से। मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम लेफ्ट ही हो गई थी और मेरे राइट हैंड में पूरा बर्न ज़्यादा है। तो लेफ्ट हैंड से मैंने लिखना शुरू किया, तो मैं अब जो भी मेरे साथ सुबह से शाम तक होता था मैं लेफ्ट हैंड से लिखती थी उस वक्त में। फिर उसके बाद ढाई महीने मैंने डॉक्टर का इतना दिमाग खाया कि कब मेरे को डिस्चार्ज करोगे, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। इवन जब मेरा बर्थडे था, वहाँ हॉस्पिटल में थी और मेरा बर्थडे था, तो उस वक्त में ऐसा हुआ कि मेरे बर्थडे में बहुत सारी बुक्स आई मेरे लिए। और जब मैं आँख मेरी थोड़ी सी खुली, तो हम चार पेशेंट थे वहाँ पे मेरी उसमें वार्ड में, हाँ चार पेशेंट थे। और जैसी मेरी आँख खुली इतनी एक्साइटमेंट थी, और उसके बाद मैंने बुक खोल के सबको स्टोरी सुनानी शुरू की वहाँ पे, एकदम स्टाइल में बैठ के ही घर में बैठी हूँ ऐसे। तो वो दिन याद करती हूँ तो बड़ा ऐसा लगता है कि क्या, मतलब कितना बचपना था मेरे अंदर वो सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने, और सारी वहाँ की सिस्टर्स डॉक्टर्स कितने खुश थे मेरे से, और मैं धीरे धीरे ठीक हो रही थी क्योंकि मैं ठीक होना चाहती थी उस वक्त में। वो सर्वाइवर इंस्टिंक्ट हॉस्पिटल से ही ऑन हो गया था। बट आपने फर्स्ट टाइम खुद को देखा कब था, लाइक वो मोमेंट, या डेलिब्रेटली इन लोगों ने आपको दूर रखा उससे? क्या हुआ कि उस वक्त में टप में मैं कहीं जा तो पाती नहीं थी, मेरे दोनों पैरों से स्कीन निकाली गई है, बैग से स्कीन निकाली गई है, तो मेरे दोनों पैर बंधे हुए थे। और मैं ना ब्रश करती थी, तो वो टप में ना पानी लेके आते थे ब्रश के लिए, तो लाइक मैं ऐसे फेस करती थी, तो मुझे मेरा पूरा फेस में पट्टी दिखता था। अब वो जो एक्साइटमेंट थी ना कि और सुंदर हो गई होंगी करके, तो बस ऐसा लग रहा था कब मेरा चेहरा दिखे, क्योंकि तेज़ाब तो मुझे पता ही नहीं था कि तेज़ाब है क्या चीज़। और उसके बाद जब मैं वहाँ से, मुझे ढाई महीने के बाद डिस्चार्ज किया गया, मैं घर गई, तो मेरे घर में से फ्रेम और शीशे सब हटा दिए गए थे। अब मुझे लगा कि मेरे वेलकम के लिए घर को और न्यू तरीके से बनाया गया है। तो उसके बाद में पता चला कि वो मेरे वेलकम के लिए नहीं, वो शीशे फ्रेम इसलिए हटाए गए कि मैं अपना चेहरा ना देख लूँ। हमारे घर में तीन कैमरे हुआ करते थे, कब पापा ने उस कैमरे को बेच दिया पता ही नहीं चला, हटा ही दिया वहाँ से। फिर उसके बाद मैंने किसी भी तरीके से अपने फेस को आखिरकार देख ही लिया शीशे में, और उस वक्त में मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि आज जो आप मुझे देख रहे हो, आज में और उस वक्त में बहुत अंतर था। दो ऑपरेशन के बाद भी मेरी आंखें निकली हुई थी, मेरी नोज़ नहीं थे, मेरे कान नहीं था, मेरे लिप्स नहीं थे, सब कुछ इतना ख़राब था जैसे कि हम कोई पेंटिंग बनाते हैं और उसको हाथ से मिटा देते हैं और वो पूरा मैश हो जाता है, वैसे ही मेरे फेस का पूरा नक्शा ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। और उसी वक्त मैं शीशे में ही देख के ही सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं इसी सोसाइटी से हूँ और मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ब्यूटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, वो भी लड़की के लिए, चेहरा कितना इम्पॉर्टेंट है। तो उस वक्त में यही चीज़ मुझे फील हो रही थी कि मैं कैसे जीऊँगी इस चेहरे के साथ, मुझे तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और उस वक्त फिर ऐसा हुआ, मैंने कहा सुसाइड कर लेते हैं, बड़ा इजी था मेरे लिए ये सोचना। लेकिन उस वक्त में ये भी रियलाइज़ किया कि नहीं लक्ष्मी, अगर सुसाइड किया तो कई सवाल तुम अपने साथ ले जाओगी, कई जवाब भी अपने साथ ले जाओगी, और कई सवाल और जवाब अपने पेरेंट्स के पास छोड़ जाओगी, और ये सोसाइटी तुम्हारे जाने के बाद उनको ही तंग करेंगे। क्यों ना एक बार पेरेंट्स से बात किया जाए, क्योंकि यही गलती मैंने अटैक के पहले की थी, पेरेंट्स से बात ना करके। अगर मैंने बात किया होता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता और वो कुछ तो करते। और ये बहुत, सॉरी टू कट यू, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लक्ष्मी। कितनी बारी जब हम शो पे डिस्कस करते हैं, कभी भी कोई लड़की का इशू आता है, वो यही होता है कि हम ना पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि
पता नहीं बेचारी क्या फील करेंगे. बेचारे नहीं, प्रॉब्लम ये आती है दिव्या की सोसाइटी ने ना पेरेंट्स को भी ऐसा, वो भी इसी सोसाइटी से हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज एक लड़की, मैं मतलब मेरे पापा से ये सीख मैंने सीखी कि जैसे अब एक लड़की ने बोला कि पापा मम्मी मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है, तो पापा मम्मी ने रिएक्ट कर दिया, सल्यूशन पे वो नहीं गए, उन्होंने जोर से रिएक्ट किया कि वो लड़का तुम्हें ही क्यों परेशान कर रहा है, इस दुनिया में तुमसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी हैं, उन्हें तो कोई परेशान नहीं करता है. तो यही सवाल हमारा उस लड़के से है कि तुम मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो. तो ये सवाल अगर पेरेंट्स उस लड़के से पूछे कि आप हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो, उसको बैठ के शॉर्ट आउट किया जाए, तो शायद ये घटना ना हो, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रिएक्ट करते हैं और ये सबसे यही एक घटना होती है, वहीं से घटना होने के चांसेस शुरू हो जाते हैं. सही बात. क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी बात सुनते ही नहीं है. लेकिन आज जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आज अगर आप देखें 2013 से पहले एसिड अटैक के बारे में आप जानते ही नहीं थे, क्योंकि ये कोई मुद्दा ही नहीं था और इस पे कोई कानून ही नहीं था. अगर आप जानते थे एक लिमिटेड कि घर में मार पिटाई होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं और रेप केसेस होते हैं, लोग इतने में ही स्तर थे. लेकिन एसिड अटैक वायलेंस क्या होता है, वो हम सर्वाइवर्स जब बाहर निकल के आए इस चेहरे के साथ, तो लोगों को पता चला कि अगर ये हमारे बच्चे के साथ हो गया तो क्या होगा. पहली बार ये वो मुद्दा उठा था, मैं उस पर भी आना चाहती हूँ. बट गोइंग बैक टू वेयर वी वर, कि आपने आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, शीशा देखा, रियलाइजेशन हुई, आपका वो एक कोई मोमेंट आपको याद है लक्ष्मी, विच वॉज योर मोमेंट कि हाँ अब मुझे लड़ना है इसके आगे, बस बहुत हो गया. उसी वक्त में जब शीशा देखा, और शीशा देखने के बाद जब पेरेंट्स से बात किया, तो उस वक्त में मैंने पापा को बोला, जब क्योंकि जब मैं घर आई ना, तो घर आने के बाद जो सोसाइटी ने मेरे साथ किया वो बहुत ख़राब था, क्योंकि उस इंसान ने एक बार तेजाब डाला. सोसाइटी एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड तेजाब डालती है, अटैक करती है. सिर्फ किसी के चेहरे में तेजाब डालने से तेजाब कांड नहीं होता, क्योंकि आप किसी को गाली भी देते हो, मारते भी हो, ताने भी देते हो, वो भी तेजाब से कम नहीं होता है. तो उस वक्त में पेरेंट्स को ये कहा गया कि ये तो लड़की है, जब मिलने आते थे लोग, जब आप आए हो मिलने तो मिल के चले जाओ, जब आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको उसके अगेंस्ट भी मत खड़े हो, आप उसको बेचारा भी मत बोलो. तो जब वो मिलने के लिए घर पे आए, तो उन्होंने कहा अरे लड़की के साथ इतना बुरा हो गया, बेचारी अब क्या करेगी, आप दोनों को अगर कुछ हो गया, इस दुनिया में नहीं रहे तो इसका क्या होगा, एक काम करो, अगर ऐसा कुछ करना ही था तो वो बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल देता, शादी कैसे होगी, सबसे बड़ा मुद्दा कि शादी कैसे होगी, या चाकू मार दिया होता, जान से मार दिया होता, या गोली मार दी होती, एक काम करो इसको ना आप इंजेक्शन लगवा के मरवा दो. तो वो मेरे माइंड में आ गई थी बात, क्योंकि वो मेरे सामने हो रही थी बातें, तो मेरे पेरेंट्स ने उनको कोई जवाब नहीं दिया. आज मुझे लगता है उनका जवाब निकल रहा है उस सोसाइटी के लिए, ये उनका आंसर था, और उन्होंने पूरा सपोर्ट मुझे किया. तो वो चीज़ जब मेरे माइंड में थी, और जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया, तो मेरे पापा ने मुझसे एक बात की जो आज भी जब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती हूँ और या मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो मुझे वो चीज़ बहुत याद आती है, क्योंकि पापा अभी इस दुनिया में नहीं है. तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और मुझसे कहा कि बेटा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है. एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम बहुत आगे जाओगी और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा. तो आज मैं कहती हूँ आई लव माय फेस, दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि लोग तो नॉर्मल लोगों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सही बात है. तो किसी की लिपस्टिक डार्क हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोगों को प्रॉब्लम होती है. और ऑफकोर्स मैं कहती हूँ लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए, मेरा चेहरा देख के उनको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी की लड़की हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ है, और वो भी इसी सोसाइटी का लड़का था जिसने मेरे साथ ये हादसा किया. वो लड़का मिला दोबारा, दिखा दोबारा, क्या हुआ उसके साथ? उस लड़के ने वो लड़का एक महीने के बाद जेल से बाहर आया बेल पे, तो उसने सबसे पहला काम किया कि उसकी शादी हो गई. और मैं उस टाइम ये मैंने सोचा कि कौन वो लड़की होगी जिसने उससे शादी की, और कौन वो पेरेंट्स होंगे जिसने अपनी बेटी को उसको सौंपा. तो उसका आंसर मुझे कोर्ट में ही दिख गया कि मतलब वो लड़की सोच रही कि मेरे हस्बैंड ने बहुत गर्व का काम किया है. जब मैं कोर्ट गई पनिशमेंट के लिए, 2005 में हुआ था, 2009 में उनको सज़ा हुई है बिना कानून आए हुए. कानून तो अब आया है, 326 एक्ट, जो 10 साल का पनिशमेंट है.
उस टाइम पे कानून नहीं था, उसके बावजूद उसको 10 साल की सजा हुई थी। तो उस वक्त में उसकी वाइफ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मैंने क्राइम किया हो। उसका जो परिवार था जिसने मुझसे ये कहा था कि लक्ष्मी, जब पकड़ा नहीं गया था वो लड़का, लक्ष्मी जिसने तुम्हारे ऊपर ये अटैक किया ना, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको हम देख लेना। और ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं छोड़ा, साथ में रखा हुआ है। और वो सही बोल रहे थे, हम नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने आज अपने साथ ही रखा हुआ है उसको। गुस्सा आया किसी पॉइंट पे उस दौरान? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, पेरेंट्स की सपोर्ट है, बट गुस्सा आता था बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स आता था दिव्या, उस टाइम पे एक एक ऑपरेशन इतना पेनफुल, मतलब एक एक इंजेक्शन भी जब लगता है ना तो वो इतना पेनफुल होता है। और जब सोसाइटी इतना टॉर्चर करती है ना, क्योंकि ये सिर्फ अभी जब तक हम जिंदा है ना तब तक लोग ताने देंगे, करेंगे, लोगों की आदत है, वो आपको जीने नहीं देंगे, तो ये उनका काम है। तो मैं भी कहती हूँ मत जीने दो, और मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं जीने दोगे। आपकी वो जिद है विक्टिमाइज करनी, मेरी भी जिद है विक्टिमाइज ना होने की। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी रहूंगी, और ना किसी को बनने दूंगी। आई थिंक बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए शीरो का मतलब ही वो है जो भीड़ में से एक चेहरा आके चार और लोगों को आगे बढ़ा के कह सके यू नो लेस। तो लक्ष्मी, आई एम श्योर लोगों ने प्रतिक्रिया तो नहीं बोलूंगी, बट लोगों का देखने का तरीका, मुड़ मुड़ के दोबारा देखने का तरीका कैसे हैंडल किया? मेरी अभी भी होता होगा ऑफ कोर्स, अब तो बहुत अच्छा होता है अब तो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो होता है कि रास्ते में देखा और फोटो खिंचवानी है साथ में, अभी ये बड़ा अच्छा सा मोमेंट होता है। बट इनिशियली शुरू में तो बहुत खराब था सब कुछ। शुरू में ऐसा हुआ कि लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था वो फेस को ओपन करके बाहर आना। तो 2009 में मैं ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग और ब्यूटिशियन ये सब चीज़ें मैं कर रही थी। तो मैंने अपनी ड्रेसेस बनानी खुद शुरू की, फिर वही शीशा सामने आता है और मैंने ड्रेस पहनी। मैंने 2005 से 2009 तक मैं दुपट्टा घूंघट करके चलती थी, उसके बाद मैंने बुरखा लेना शुरू किया। मैं हाफ बुरखा पहनती थी, उसमें नेट लगा होता है तो आप ईजिली सामने देख सकते हो। तो 2009 में मैंने खुद को देखा शीशे के सामने और मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ और मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। और उसके बाद लगा कि नहीं लक्ष्मी, ये चेहरा ढक के तो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। तो उस वक्त में मैंने अपनी मम्मी से और अपनी मैम से पूछा, स्टिचिंग वाली मैम से, कि मैम क्या मैं अपना फेस ओपन कर के चल सकती हूँ? तो वही आंसर मम्मी और मैम ने कहा, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कैसे चलना है। तो मैंने कहा मुझे चलना है। उसी दिन मैंने वो सब उतार के फेंक दिया। और उसके बाद आपको शायद सुन के भी हैरानी हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को हैरानी होती है ये बात सुन के, कि जो सबसे ज़्यादा ख़राब जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये कि सबसे ज़्यादा ना लड़की ने रिएक्ट किया, कि किसी कॉलेज के सामने से जा रही हूँ, कहीं से भी जा रही हूँ तो लड़कियाँ बोल रही है कि ओए देख 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 उसका चेहरा देख कैसी लग रही है, पीछे से तो बड़ी अच्छी लगती है, पीछे से कितनी अच्छी लग रही थी, सामने से कितनी डरावनी लगती है, बच्चे देख के डर जाएंगे, मतलब भूतनी लगती है, मतलब लोग ऐसे ऐसे करके बोलते थे। तो और ये जो सबसे बड़ी बात ही होती है ना कि लोग कहते हैं कि एक औरत औरत का दर्द समझ सकती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो ये झूठ पे दुनिया टिकी हुई है। ये एक बारी मैंने एक बात किसी को बोली थी, वो बुरा मान गए, बट मैं बोलती हूँ कि हाँ कई बार औरतें दूसरों को खींच देती हैं। पता है सच कड़वा होता है, और अगर उन्होंने बुरा माना है तो शायद वो सच उनको कड़वा लगा होगा, क्योंकि उनको ही ये सच कड़वा लगता है जो खुद वो उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो वही चीज़ है कि एक औरत ने ही औरत के ऊपर तेजाब डाला है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, तो वो सारी चीज़ें घटना घटी हैं जी। और अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वही एक लड़की लड़की का दर्द समझ सकती है जो मैंने कहा, और ऐसा नहीं होता। आई रियलाइज्ड कि एक बहुत अच्छा दोस्त लड़का होता है, एक बहुत अच्छी दोस्त लड़की होती है, एक दूसरे के जो एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, और बहुत रेयर दोस्त होते हैं जो एक लड़का लड़का और एक लड़की लड़की होते हैं। हमने एक अलग तरह की इक्वेशन भी सिखा दी है शो पे, लड़का लड़का लड़की 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 लड़का, बट यू नो समवेयर यू डू मेक सेंस। मैं आगे जाना चाहती हूँ स्टॉप सेल एसिड की तरफ, बट मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे याद आया, म्यूजिक सीख रहे थे आप?
नहीं सीखा, क्योंकि उस वक्त में ऐसा हुआ कि जब मेरी बात हुई म्यूजिक क्लास की तो उन्होंने कहा कि आप 1 तारीख को आना, और मेरा अटैक 22 को हो गया था. अच्छा, 22 अप्रैल को हो गया था. तो क्लास ज्वाइन, तो लाइफ में मतलब अब ऐसा हो गया कि मैं एक चीज़ कहूँगी कि सिंगर तो नहीं बन पाई पर एंकर ज़रूर बन गई थी. तो मैं एक छोटा सा ट्रिविया देती हूँ. एक ब्रीफ काम किया था मैंने एक न्यूज़ चैनल में, एंड आई वाज सो प्राउड टू सी दैट लक्ष्मी एक शो होस्ट कर रही थी वहाँ पे. मुझे सो नाइस लक्ष्मी, मतलब लाइफ ने कुछ और प्लान किया हुआ था आपके लिए. सो फाइटिंग हो गई, पेरेंट के इंस्टिंक्ट्स हो गए. पीहू की बात करूँगी, लेकिन उससे पहले स्टॉप सेल एसिड की बात करते हैं, बिकॉज ये सब कुछ हुआ और अब आप लेकर आए हो स्टॉप सेल एसिड, विच इज़ योर कैंपेन. क्या है स्टॉप सेल एसिड? स्टॉप सेल एसिड का ये कि इसमें हमने कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट निकाले. उसमें ये था कि जैसे बहुत ईजिली अवेलेबल है तेजाब बिकना. मैंने 2006 में एक PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए. तो अभी भी देखा जाए तेजाब बिक रहा है, खुले आम बिक रहा है, बहुत सारे शॉपकीपर्स बेच रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी शॉपकीपर्स हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और जो खरीदेगा उसके पास ID प्रूफ होना चाहिए. पर पहली चीज़ तो ये पहला मुद्दा कि जब भी मैं शॉपकीपर्स के पास गई किसी को पता ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है. दूसरा, ये तो लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये SDM का काम है कि जाके उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, काम करना. ये गवर्नमेंट का काम है, जो कि ऐसा नहीं हुआ. तब उस मेरे को लास्ट ईयर 2018 में मैंने कहा कि आप कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए. तो मैंने ये 10 जून 2018 को शुरू किया. उसमें मैंने लोगों के ओपिनियन लेना शुरू किया. मैंने कहा कि आप 1 मिनट का वीडियो बनाओ, क्योंकि आपका 1 मिनट का वीडियो किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है. और 20,000 लोगों ने ऑलमोस्ट 10 से 20 डेज में वीडियोस बना के डाले, शेयर किया. तो उसमें ये हुआ कि बैक टू बैक एक छोटा बच्चा भी कह रहा है #stopsaleacid स्टॉप सेल एसिड, तो उस वो अपने पेरेंट्स से पूछ रहा होगा कि ये है क्या. तो जो भी ये बात, ये मैसेज दे रहा, इतने छोटे छोटे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने ये सब किया, कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, पूरे ग्रुप ने, मतलब ये सोसाइटी खुद निकल निकल के आई. तो उसमें हम लोगों ने ये किया कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो अब हम करते हैं. हमने खुद शॉपकीपर से बात की और उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप एक तेजाब जो बेचते हो कितने का बेच लेते हो आप महीने में. उन्होंने बोला हद से हम 500 रुपये 1,000 रुपये कमा लेते हैं. तो मैंने कहा आपको पता है कि ये आप 500 रुपये तो कमा लेते हो, वो भी जब आप कितना बेचते होगे तब, लेकिन एक तेजाब की बॉटल से एक ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है. तो उन्होंने बोला ये डाइल्यूटेड है, नमक का एसिड, इससे कुछ नहीं होगा. तो मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप पी के बताओ. तो उन्होंने कहा पिएंगे तो मैं मर जाऊंगा. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैंने कहा कि आप एक चीज़ सोच के देखो, जब ये एसिड कोई बड़ा खरीद के लेके जा रहा है उसको पता है ये एसिड है, लेकिन जब वो घर में जाता है तो 4 साल का 5 साल का बच्चा, उसको नहीं पता कि वो एसिड है, क्योंकि पानी का कलर या नींबू पानी का कलर तेजाब का कलर सेम होता है, तो वो पी लेता है. ऐसे कई बच्चे मर चुके हैं वो तेजाब पीने से, और ऐसे कई लोगों ने वही डाइल्यूटेड एसिड को बाथरूम से निकाल के अपनी सास को, अपने बेटे को पिलाया है जबरदस्ती मारने के लिए, आंखों में डाल दिया गया है. तो वो कितना हानिकारक होता है. तब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आज के बाद ये तेजाब नहीं बेचेंगे. उन्होंने प्रॉपर वीडियोस बनवाई साथ में कि हम कसम खाते हैं कि हम नहीं बेचेंगे. तो हम लोगों ने उनको सर्टिफिकेट देना शुरू किया. वाओ, अच्छा. तो उसमें हम लोगों ने, तो अब जब एक बंदा काम करता है और उसको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका दूसरा शॉपकीपर भी देखता है, जब इसको सर्टिफिकेट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं. तो ऐसे ही मैंने, लक्ष्मी नगर में रहती हूँ तो मैंने लक्ष्मी नगर में ये कॉन्सेप्ट शुरू किया. आज शायद ही आपको इक्का दुक्का शॉप मिलेगी जिसमें तेजाब बिकता होगा, जहाँ शायद मैं नहीं पहुँच पाई हूँ. अदरवाइज में पूरे जगह अगर आप लक्ष्मी नगर में जाएंगे, सबको आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम तेजाब नहीं बेचेंगे. नहीं तो लक्ष्मीनगर से है, उन्होंने लक्ष्मीनगर तो चेंज कर दिया. बट वेयर एवर यू वॉचिंग दिस इन इंडिया, मुझे लगता है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लक्ष्मी का साथ देने के लिए सिर्फ मेक श्योर कि जिस भी लोकल दुकान में आप जाते हो वहाँ तेजाब ना बिकता, उन्हें इन्फॉर्म करो. लक्ष्मी, ओबामा के पास आप गए हैं, मिशेल ओबामा ने आपको बुलाया है इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज सेलिब्रेशन के लिए. सुप्रीम कोर्ट में 2013 आपकी पिटिशन डली, अब आपकी आवाज़ घर घर में जानी जाती है. वो एक सिंगर बनना चाहती थी लक्ष्मी, आज लक्ष्मी एक वुमन ऑफ करेज है. कैसा लगता है, क्या मैसेज है हर औरत के लिए जो आपको सुन रहा है, फ्रॉम लक्ष्मी द करेजियस वुमन? मैसेज क्या कि मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप अपने अंदर एक अप्लाई करो उस चीज़ को, कि
बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी घर में बहुत कुछ सहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि घर से, मतलब अपनी आवाज़ को घर से ही निकालना शुरू करना होगा। दूसरा ये कि वो जो इंसान है जिसके दिमाग में ये तेज़ाब आया डालने के लिए, वो कहाँ से आया, उसके दिमाग में तेज़ाब कहाँ से आया। एक्चुअली तेज़ाब जो है हमारे दिमाग में है, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो वो हमारे बचपन की परवरिश से आया है। और वो ईगो सिस्टम कहाँ से आया, क्योंकि उस लड़के को घर से ही ना सुनने की आदत बनाई गई थी, और उसने सोचा कि अब मैंने इस लड़की को पसंद किया तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, तो ये मुझे ना कैसे बोल सकती है, ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा, जो लड़का लड़की का भेदभाव है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो महिलाएं और जो पुरुष ये कहते हैं कि औरतों को सम्मान देना चाहिए, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मुझे नहीं चाहिए रिस्पेक्ट, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए इक्वालिटी। रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगी। फैंटास्टिक, व्हाट अ लवली थिंग। तो आपकी मम्मी की स्ट्रेंथ इस पूरी कॉन्वर्सेशन में पता चली, माँ बहुत जरूरी है। खुद माँ बनने के बाद लाइफ कैसे बदल गई, पीहू की मम्मी वाली लक्ष्मी कैसे अलग है सबसे? आई एम सो हैप्पी, पीहू के आने से ही मैं माँ बनी हूँ, जो उसने मुझे ये मौका दिया, और मेरी लाइफ को पीहू ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। कि कभी भी या मैं किसी भी परेशानी में होती हूँ, वो अभी 4 साल की होगी नेक्स्ट मंथ 25 मार्च को, लेकिन वो इतनी मैच्योर है अभी से, इतनी चीज़ों को वो समझती है, और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। आपको देख के भी नहीं लगता मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, हम दोस्त ही हैं। वो अपनी हर एक फीलिंग को शेयर करती है मेरे साथ, और मैं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं जो सोसाइटी को जाके मोटिवेट करती हूँ, बात करती हूँ, जाके चीज़ें बताती हूँ, तो वो मेरे लिए चैलेंज है कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रही हूँ। तो वो चीज़ निकल के सामने आएगी, अब यूँ निकल के सामने आएगी कि वो मुझे क्या सिखाती है और मैं उसको क्या सिखाती हूँ। What a mother you would be. लक्ष्मी, इतना कुछ देख लिया अपने लाइफ में, बहुत कम उम्र है अभी आपकी, मैं ये भी जानती हूँ, आज किसी चीज से डर लगता है? आज कोई डर है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन हाँ, अर्थक्वेक का डर लगता है बादल गरजने का डर लगता है, इससे ज्यादा मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि वो जो एक डर था ना, वो डर तो खत्म ही हो गया, और जिस लक्ष्मी के ऊपर तेजाब कांड हुआ था, आज वो लड़का मुझ तक, मुझे लगता है अगर वो मुझ तक पहुंचेगा भी तो उसको बहुत इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा, तब वो मेरे तक पहुंच पाएगा, क्योंकि कल तक वो मुझे जानता था, आज पूरी दुनिया मुझे जानती है। Yes. तो आज मुझे पूरी दुनिया प्यार करती है, तो बिल्कुल डर नहीं लगता। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि मेट्रो में लड़कियों ने आपको बोला था कि यहाँ क्यों, आपकी जगह तुम्हारे दिल में, टाइप्स ऐसा हुआ था? हाँ, मेरे साथ मेट्रो में ऐसा हुआ कि मैं मेट्रो से, मैं बहुत वैसे रहना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है, और जो दुनिया के लोग जो दूसरी नज़र से देखते हैं एज अ सेलिब्रिटी, ये सारी चीज़ें, मैं वो सब कॉन्सेप्ट नहीं मानती हूँ। और मैं जब भी मेट्रो जाती हूँ, अब तो बहुत लोग पहचानते हैं, ऐसा हो गया है। तो एक बार क्या हुआ, मेट्रो के अंदर एक लड़की घुटनों के बल गिर गई, और गिरने के बाद वो लिटरली रोने लगी, और मेट्रो में जितने लोग थे वो सब मेरे पास आ गए, और उस लड़की ने बोला कि आपकी जगह तो वहाँ है जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो आप हमारे साथ मेट्रो में कैसे ट्रैवल कर सकते हो, आप कैसे यहाँ पे, आपकी तो कितनी वैल्यू है। तो मैंने कहा वो मुझे दिख रही है, मुझे आप लोगों से ऐसे ही प्यार मिलता है, और मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहना चाहूँगी क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है। तो वो मुझे, वो उसने मुझे बोला कि क्या मैं आपको हग कर सकती हूँ, आपको छू सकती हूँ, तो मतलब ऐसा था। और ये अब ये मेरे साथ कई बार होता है कि लोग मिलते हैं और वो उनके हाथ और पैर मतलब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, और मैं खुद अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मैंने जिस नोट पे शुरू किया था, आई थिंक वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड, कि असली हीरो और हीरोइन जो टीवी पे दिखते हैं वो नहीं, आप होते हो, बिकॉज बहुत बड़ी जंग लड़ी है,
बहुत कम टाइम में ऑनेस्टली, वो शायद टाइम आपके लिए लंबा है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग हीरो एंड हीरोइन, तो दीपिका पादुकोण आपका रोल करने वाली है. बिल्कुल, फिल्म फाइनल हो गई है. बिल्कुल फाइनल हो गई है फिल्म. तो ऐसा कुछ था लक्ष्मी, मतलब मुझे पता है कितनी डिटेल्स दे पाओगे अपने कि कोई, हाउ वुड शी बी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका वुड प्ले द रोल वेरी वेल, बट आपका कुछ कुछ दीपिका से मिलना हुआ है अभी तक इस बारे में? दीपिका से अभी तक फिल्म से रिलेटेड अभी मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं दीपिका से 3 बार प्रोग्राम्स में मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दीपिका से मुझे ऐसे मिलना होगा कभी. आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आर्ट इज़ आर्ट और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. और कभी मैं, मतलब इस फिल्म, ये जब मुझे पता चला कि दीपिका रोल प्ले कर रहे हैं, और कई सवाल थे कि लक्ष्मी आपको लगता है कि कोई और कर सकता था इससे बेटर, ये हो सकता था, तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, और जो भी कर रहा है मैं रिस्पेक्ट से कहूँगी क्योंकि वो लक्ष्मी बनने जा रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. और इवन जब भी वो टीवी में दिखती है, एड में दिखती है, तो मैं पीहू को कहती हूँ, पीहू वो देखो मम्मा आ गई अभी. वो कहती है कि वो दीपिका पादुकोण है, हाँ वो मेरी मम्मा का रोल प्ले करने जा रहे हैं, आप पे फिल्म आ रही है, तो मैंने कहा कि वो आपकी मम्मा है, कहती हाँ मैं मिलू अपनी मम्मा से. सो दिस इज व्हाट वी वुड वांट टू लीव यू विद. मैं चाहती हूँ कि इसी स्माइल के साथ अपने इस शीरो के एपिसोड को एंड करूँ. बिफोर वी गो, एक मैसेज सबके नाम जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं. एक स्माइल से अगर आप किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, क्योंकि स्माइल सबसे बड़ी ताकत होती है और गुस्सा सबसे ख़राब चीज़ होती है. तो जब भी आपको लगे कि आपको कोई डिच कर रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने गुस्से को, क्योंकि वो 2 मिनट का गुस्सा बहुत कुछ तबाह कर देता है, क्योंकि वो किसी और की लाइफ भी नहीं, आपकी खुद की लाइफ भी तबाह करता है. बेटर देन कि आप उसको एक ब्लैक रोज़ दो और एक लेटर लिखो, उससे अपने गुस्से को सामने जाहिर करो, जिससे कि बाद में शायद वो चीज़ ये भी हो जाए कि आपको दोबारा चांस मिल सके और आप अपने रिलेशन को और अच्छा बना सको. गुस्सा होने से बेटर है स्माइल के साथ लाइफ को एंजॉय करो. वेल आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हर. मैं इनको देख के समझ सकती हूँ स्माइल बहुत जरूरी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. और मुझे लगता है एक शीरो बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है हिम्मत. और मुझे लगता है एज अ वुमन वो हिम्मत हम सबके अंदर कहीं ना कहीं जरूर छुपी है. थैंक यू लक्ष्मी. थैंक यू सो मच दिव्या.